स्वागत है। संपूर्ण देश में चैत्र नवरात्र का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। आज चैत्र नवरात्र की दुर्गाष्टमी पर घर घर में कन्या पूजन किया जाएगा। आज दुर्गाष्टमी है, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माँ महागौरी सभी संकटों को दूर करने वाली देवी है। देवी महागौरी का वाहन बैल है। चार भुजाओं वाली माँ महागौरी का अस्त्र त्रिशूल है। एक भुजा में डमरू धारण करती है, बाकी दो भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती है। वह अत्यंत ही गौर वर्ण की है और सफेद वस्त्र एवं आभूषण धारण करती है। तो आज घर घर में पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा अर्चना के साथ माँ से प्रार्थना की जाएगी, घर में सुख शांति और समृद्धि यूं ही बनी रहे। तो वहीं कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है अष्टमी और नवमी के दिन, और यही वजह कि आज के दिन भी घरों में कन्या पूजन किया जाएगा। तस्वीरें जरा देखिए, मंदिरों की तस्वीरें हैं। माता का विशेष श्रृंगार किया गया है, भक्त भी पहुंच रहे हैं। और कोरोना के मुश्किल दौर के बाद पहली बार नवरात्रि बिना किसी पाबंदी के सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नवरात्रि का ये पावन पर्व बिना किसी पाबंदी के मनाया जा रहा है। यही वजह कि श्रद्धालुओं में भी बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। नवरात्रि के इस पावन पर्व को लेकर के बहुत ज़्यादा उल्लास नज़र आ रहा है और माता के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना आज की जाती है। अष्टमी का दिन आज है और इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। आज चैत्र नवरात्र की दुर्गाष्टमी पर घर घर में कन्या पूजन भी किया जाएगा। तो वहीं अब हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और किस तरीके की तस्वीरें जोधपुर में नजर आ रही है, भक्त पहुंचकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। तो वहीं राजधानी जयपुर से तृप्ति भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तृप्ति, आपको भी नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले राजधानी का ही रुख कर लेते हैं। तृप्ति, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तस्वीरें मंदिरों में नजर आ रही है, भक्तों का उत्साह कितना नजर आ रहा है। बिल्कुल आयुषी, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ पंचवटी सर्किल के माता मंदिर में, तो वहाँ पर आपको तस्वीरें देखकर आपको खुशी होगी कि जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही माँ के दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। नवरात्रों के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की जो है वो पूजा की जाती है। और अगर आज की हम बात करें तो आज महागौरी माँ का दिन है, उन्हीं को ये दिन पूरा समर्पित है। और इसी को लेकर देखिए माँ को कितने विशेष रूप से यहाँ पे उनका श्रृंगार किया गया है, चाहे वो वस्त्रों से हो, फूलों से हो, और कितनी ही सुंदर प्रतिमा जो है वो माँ की यहाँ पर नज़र आ रही है। उसी के साथ में मंदिर परिसर ने बहुत ही विशेष आयोजन यहाँ पर किया हुआ है। हलवा पूरी जो कि माँ को भोग लगाया जाता है, वो यहाँ पर आज प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। यहाँ पे कन्याएं जो हैं उनको ये प्रसाद दिया जा रहा है। जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, माँ के दर्शन करने आ रहे हैं, पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके सामने लेकर आ रहे हैं, उनको ये प्रसाद दिया जा रहा है। और सबसे खुशी की बात यही है कि कोरोना के 2 सालों में इस त्यौहार को इस तरीके से नहीं मनाया गया था। कंजके बिठाने का जो एक रिवाज है, एक परंपरा है जो हमेशा से चली आती है, कि नवरात्र के अष्टमी और नवमी को कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें माँ का स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, वो पिछले 2 सालों से बहुत ही फीकी थी। लेकिन इस बार इस तरीके से इस आयोजन को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है और लग रहा है कि वापस से जो चीज़ें हैं वो अपनी पटरी पे आ गई हैं। सारे त्यौहार बहुत अच्छी से मन रहे हैं, उन्हीं में एक नवरात्र भी है जो पूरे धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो यही यहाँ की तस्वीरें आयुषी, और इन तस्वीरों को देख के मैं जानती हूँ सभी लोग खुश होंगे कि इस तरीके से त्यौहार जो है वो वापस से हमें देखने को मिल रहे हैं। जी आयुषी, बिल्कुल तृप्ति, तस्वीरें आपने दिखाई, दर्शन माता जी के कराए, अपने आप में बेहद भव्य और दिव्य ये पूरा माहौल हो जाता है जब नवरात्रि के पावन पर्व पर माता के दर्शन मिल जाए। और साथ ही दर्शन के साथ साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए तमाम भक्त पहुंचते भी हैं। अभी आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी राजीव का रुख कर लेते हैं। जोधपुर से वो लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, जोधपुर में क्या विशेष तैयारियाँ अष्टमी को लेकर के? देखिए आयुषी, पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर अष्टमी को लेकर के पूजा अर्चना का दौर, हवन का दौर चल रहा है। जोधपुर की पुलिस लाइन परिसर में आप देखिए, यहाँ पे भी हवन का दौर जो है वो शुरू हो गया है। जो यहाँ पे पंडित निमज्जन गौड़ हैं, उनके सानिध्य के अंदर हवन को आहुति दे दी गई है। ये सबसे जो दृश्य है वो दृश्य जिसके लिए 7 दिन तक इंतजार चल रहा था, आज अष्टमी है जो 8वां दिन है। अष्टमी पर ये पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। श्री भवन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले एक बार कोशिश करेंगे निमज्जन जो पंडित है उनसे बात कर लेते हैं। अष्टमी का क्या महत्व, अष्टमी का महत्व
क्या? यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं यज्ञ प्रज्वलित कर माँ जगदम्बे के दरबार में। पहले माता के दर्शन करवाते श्री भगवान सिंह और उसके बाद में आपके अनूठी तस्वीर दिखाएंगे और आप देखिए जिस तरीके से माँ चामुंडा के दर्शन का दौर यहाँ पे जारी है। आसपास के जो परिवार के लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर तस्वीर, बहुत प्यारी सी तस्वीर आप देखिए। इस वक्त पुलिस का जो बैंड है, पुलिस के जवान हैं, जो तमाम जो अधिकारी हैं, वो आज के दिन माता को कुछ इस तरह से समर्पित होते हैं। एक पोशाक, एक डिसिप्लिन, जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है उस तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो बैंड मास्टर हैं मुखाराम के नेतृत्व के अंदर ये तमाम जो जवान और अधिकारी हैं ये बैंड वादन कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं। कोशिश करते हैं जो भगवान सिंह थोड़ा निकट से आपको आरती की वो तस्वीर दिखाएंगे जिससे कहीं ना कहीं लोग घरों में बैठ करके दर्शन कर सकते हैं। ये भावना की बात होती है, इसको हम लोग शब्दों में जो है वो विवेचित नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए कि माता की जो आरती है उनकी धुनें सुनिए किस तरीके से वो इस आरती को गा रहे हैं। आयुक्ताले बैंड हमेशा बैंड वादन का काम करते हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, चार हेड कांस्टेबल, 19 कांस्टेबल की नफरी है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी करते हैं और शादी पार्टी बुकिंग में भी बैंड बजाया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी राजकीय समारोह में भी तत्परता से बैंड वासियों को शुभकामनाएं देने के साथ में शांति का आह्वान भी किया है। मार्च गुप्ता भी लगातार कर रहे हैं और अष्टमी के दिन जो सुबह से पूजा अर्चना हवन जो कन्याएं को पूजन कराना बिल्कुल राजू, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और यही वजह है कि भक्त माता के दर तक पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंगल कामनाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, प्रतिक्रियाएं और दर्शन कराने के लिए। इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।